सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप देख सकते हैं मेरे साथ है ये, और ये है स्पार्टन प्रोग्रेस की तरफ से नी गार्ड, जो आप पैंट्स के अंदर पहन सकते हैं अपनी। आप यहाँ पे डब्बा देख सकते हैं पूरा का पूरा, ये नॉर्मल स्पार्टन प्रोग्रेस डब्बा है। पीछे मेरी थोड़ी शिपिंग इन्फॉर्मेशन है तो वो साइड मैं नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए पहले इस डब्बे को खोल लेते हैं और आपको इस नी गार्ड के बारे में थोड़ा समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और इसका छोटा सा रिव्यू देता हूँ अपने हिसाब से। सो लेट्स ओपन दिस पैकेज। ये रहा खोलने के लिए जगह। सो खोल लिया हमने फाइनली, काफ़ी दिक्कत भी खोलने में, काफ़ी वेल पैकेज था। तो ये रहा हमारे नी गार्ड, इसको पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं और डब्बा साइड में फेंक देते हैं। ज़रा पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस है इनका का लिखा है 2725 रुपीज़, जो मेरे हिसाब से काफ़ी वर्थ इट होना चाहिए। बट फुल रिव्यू अभी आपका देता हूँ मैं पहनकर इसको, और आपके और बताता हूँ इसके बारे में। तो इसको खोल लेते हैं यहाँ से हम पहले एक बारी। सो हमने ऊपर से खोल लिया इसको, यहाँ से निकल जाएंगे अब अच्छे से एक बारी में, हटा दिया। सो ये है एस्पाइडा की तरफ से पर्सियस नी गार्ड्स, एंड ये इसकी खासियत ये है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर पहन सकते हैं। आप यहाँ पे स्लीव देख सकते हैं, और ये लेवल 2 प्रोटेक्टर्स है, ये आपकी नी को काफ़ी अच्छी तरीके से बचाएंगे। तो मैं इसके अंदर फील कर सकता हूँ, ये D3O से इसके अंदर है D3O, एंड लेट्स सी अगर मैं इसका D3O निकाल पाऊँ या नहीं। एंड हाँ, निकल सकता है। तो ये रहा एक्स एंड वाई की तरफ से, हो गए इसमें ज़रूर। हाँ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई की तरफ से आपको इसमें लेवल 2 गार्ड्स मिल जाते हैं CE सर्टिफाइड, जो काफ़ी अच्छी बात है। CE सर्टिफाइड गार्ड्स है, एंड ऑब्वियसली प्रोटेक्शन इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। एंड लेट्स सी मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है। तो आगे बात कर लेते हैं अब हम इसके बारे में, जो इसकी मेन स्लीव है। स्लीव की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एस्पाइडर की ब्रांडिंग दे रखी है यहाँ पे, थोड़ा वेब टाइप पैटर्न बना हुआ है। एंड ये एडजस्टमेंट के लिए है, वेलक्रो स्ट्रैप्स इसके अंदर, एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है मेरे हिसाब से। मैं ये इसको बिना थके बिना परेशान हुए इसको काफ़ी टाइम तक पहन सकता हूँ। तो चलिए एक बार आपको समझा देता हूँ इसको कैसे पहनना है। सो मैं आपको एक बार इसको पहनना सिखा देता हूँ कैसे पहनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल पैर है मेरा, और यहाँ पे आप स्पाइडर के नी प्रोटेक्टर वाले देख सकते हैं। सो आपने कुछ नहीं करना, मेन आपने स्लीव की तरह पहनना है, जैसे आप हाथ पे स्लीव पहन रहे हो। और ये डिस्क्रीट नी प्रोटेक्टर है, ये आपकी पैंट के अंडर आएंगे। ये बस अभी पैंट पहन ही रहा ताकि आपको अच्छे से शोकेस हो जाए कैसी चीज़ है ये, कैसा प्रोडक्ट है। तो आपने कुछ नहीं करना, नॉर्मल पहनना है, जैसे सॉक्स पहन रहे हो इसको। एंड अभी स्टार्टिंग हल्का टाइट होएगा क्योंकि खुलना होती है, सारी चीज़ों को खुलना पड़ता, थोड़ा 3-4 बार पहनने के बाद ही सॉफ्ट होता है। तो ये रहा, ये आ गए इधर, एंड इसके स्ट्रैप्स है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरी नी को अच्छे से कवर कर रहा है ये। इसके स्ट्रैप्स ये रहे, आपने एक ऐसे लगाना है, एंड ये यहाँ से लॉक हो जाएगा, और दूसरा वाला आपने ऐसे लगाना है, ये यहाँ से लॉक हो जाएगा। एंड ये आपकी नी प्रोटेक्टर्स लॉक हो गए अपनी जगह पे, इसके ऊपर आप नी पैंट वेंट कर सकते हैं। और जैसा जहाँ तक मेरे को पता लग रहा है, ये हल्की जो थाई वाला एरिया है उससे हल्का सा टाइट है, मगर जो नीचे का थोड़ा एरिया है पूरा का पूरा, जो मेन प्रोटेक्ट होना चाहिए वहाँ से, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और मेरे हिसाब से मैं इसको बिना रुके काफ़ी लंबे टाइम तक पहन सकता हूँ। हल्का गर्म लग रहा है, जो गर्मी में मेरे को हल्का परेशान करेगा, बट आई गेस दैट्स कम्प्लीटली रीजनेबल, बट कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट पैडिंग है इसके अंदर की भी, ऊपर की भी पैडिंग काफ़ी अच्छी है। एंड ये इम्पैक्ट से काफ़ी टाइम अच्छा काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं मेरी, मैं ऐसे मारता हूँ बट मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा अंदर ही अंदर, मेरे हाथ पे लगी बल्कि। एंड और कुछ है मेरे पास मारने के लिए या नहीं है, चेक करते हैं। ये रिमोट है AC का, ये भी कुछ नहीं लगा मेरे को, एंड और कुछ मेरे पास है नहीं अभी मारने के लिए, तो मैं ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। बट ओवरऑल मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये चीज़। तो एंगल चेंज कर लेते हैं, काफ़ी वियर्ड सा लग रहा है मेरे पैर ऐसे देखना। सो आपने देख लिए कि ये कैसे पहने जाते हैं, और मैंने आपको हल्का बहुत अच्छा कैची का बैक साइड और रिमोट मार के दिखा भी दिया कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्टिवनेस है इनकी, और मेरे को एक भी चीज़ फील नहीं हुई। और इस प्राइस के हिसाब से आपको इस प्राइस में कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब
आपको प्लास्टिक के मिलते हैं, बाकी इसके ऊपर जाएंगे तो आपको रायनोक्स के थोड़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मिलेगा, मगर प्लास्टिक तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक गिरेगा टूटेगा ऑब्वियसली, और अंदर हल्का सा फोम की पैडिंग होती है वो आपके नीज को नहीं बचाने वाली, बट ये चीज़ ऐसी है ये आपकी नीज को काफ़ी हद तक बचा सकती है एक क्रैश में, और मेरे हिसाब से इससे बढ़िया इस प्राइस में कुछ भी नहीं है। और मैं फिर से बता दूँ, ये स्पाइडा पर्सियस मैंने स्पार्टन प्रोगेयर की वेबसाइट से खरीदे हैं, अगर आपके पास कोई स्टोर है तो आप स्टोर से भी खरीद सकते हैं या फिर वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो इसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड गो चेक दिस आउट, आई हाईली रिकमेंड दिस, आप काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, आपको स्टार्टिंग में हल्का टाइट लगेगा बट आप जैसे जैसे पहनेंगे तो आपके बॉडी के हिसाब से लूज़ हो जाएगा, और आप इसको धुलवाएंगे तो और ज़्यादा जल्दी लूज़ हो जाएगा। अगर आप पूरी की पूरी राइडिंग पैंट आप नहीं अफोर्ड कर सकते, ये आप ज़रूर कर सकते होंगे, 2,750 रुपीज़ इतना ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है इतने अच्छे प्रोडक्ट के लिए। सो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक बटन इफ यू एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दिस इज सॉल्ट और रीपर साइनिंग आउट, एंड लास्ट सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।